नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को वर्डप्रेस के अपलोड मैक फाइल साइज ईयर को फिक्स करना बताऊंगा। जैसे आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप अपलोड करते हैं, कोई फाइल इंस्टॉल ना करते हैं तो यहाँ पे आपका ईयर बता देता है। वो क्या ईयर बताता है, चलिए देखते हैं क्या बता रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये एक ईयर आ गया, द अपलोड फाइल एक्सीड द अपलोड मैक्स फाइल साइज डायरेक्टिव इन php.ini। जी हाँ, ये फाइल को किस तरह से आप फिक्स करेंगे यानी सॉल्व करेंगे, जी हाँ, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कोई भी स्टेप को मिस ना करें। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब यहां पे मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा और मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ जाऊंगा। यहां पे मैंने डैशबोर्ड के वर्डप्रेस पर आ चुका हूं और यहां पे सी पैनल में आपको ओपन करना है, जो इंडियन टेक्नोलॉजी का सी पैनल है उसे मैं यहां पे ओपन करूंगा। जी हां, और जो कि फाइल मैनेजर के अंदर हमें आपको जाना है और जो indiantechno.in का आप है ये वेबसाइट, उसका फाइल खोजना है, जो कि मेरा फाइल यहाँ पे अवेलेबल है। जी हाँ, जो कि मैं यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख पा रहे हो .htaccess, जो कि इसे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको एडिट पर क्लिक करना है और एडिट पर क्लिक कर देना है। जी हाँ, और आपको जो नोट पैड में मैं यहाँ पे लिखा हूँ वैल्यू, इस वैल्यू को आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट के पिन सेक्शन में मिल जाएगा। जी हाँ, आप वहां से जाकर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जो कि इफ मॉड्यूल के नीचे और हच इन वर्डप्रेस के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। जी हाँ, और यहाँ पे सेव एंड चेंज पर क्लिक कर देना है। जी फ्रेंड्स, इसे मैं सेव कर लिया हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से जाता हूँ प्लगइन के ऐड न्यू पर, फिर से मैं यहाँ पे अपलोड प्लगइन पर क्लिक करता हूँ। जी हाँ, जो कि अब हो जाना चाहिए। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक किया और ये इंस्टॉल होने स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, जो कि मेरा एलिमेंटर प्रो 3.7.2 है और करंट यहाँ पे एलिमेंटर वही है। जी हाँ, और यहाँ पे रिप्लेस एंड करंट विथ अपलोड पर क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है। यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, जो कि यहाँ पे आ चुका है। जी फ्रेंड्स, इस तरह से आप यहाँ पे अपलोड मैंने कर लिया हूँ एलिमेंटर प्रो को, जो कि यहाँ पे अपडेट माना था, अपडेट मेरा ये अपडेट हो चुका है। आप इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस का फाइल साइज जो एरर है उसे आप खत्म कर सकते हैं यानी सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही कम समय में इसे सॉल्व कर दिया हूँ, आप इसे सॉल्व कर ले। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई रोक टोक नहीं है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। जी हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।